वेल हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि टाइम से आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए। बात करने वाला हूं आज अपने एक्सपीरियंस का 50% निचोड़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप फ्रेशर हैं ट्रेडिंग में या आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, गाइज मैं अपनी एक लंबी जर्नी का एक बड़ा एक्सपीरियंस आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपने इसको सिंपली इंप्लीमेंट किया अपनी ट्रेडिंग पैटर्न में तो ब्लीव मी गाइज, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ में फॉलो किया और डिसिप्लिन के साथ इतना डीपली जाकर फॉलो किया, उसके साथ में सबर किया, तो बिलीव मी गाइस, आपका हर ट्रेड मैक्सिमम टाइम प्रॉफिटेबल होने वाला है। मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं सैटरडे और संडे में कुछ लर्निंग वाली वीडियो मैं अपलोड करूंगा, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इस संडे मैं अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री का एक बड़ा पार्ट, जो अपना एक्सपीरियंस मैंने खुद से बार बार इंप्लीमेंट करके इसको कहीं ना कहीं बिल्डअप किया है। मैंने किसी से नहीं सीखा गाइज, अपने आप बिल्डअप किया, अपने आप कैलकुलेशन निकाली और उसको अच्छे लेवल पर लेकर गया और मेरा रिजल्ट इस टाइम पर जो आता है उसको इंप्लीमेंट करने के बाद बहुत पॉजिटिव आता है। लेकिन कंडीशन एक ही है कि डिसिप्लिन को फॉलो करना है। डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूं, बात करने वाला हूं पुट कॉल रेशियो की, PCR। गाइज आपने बार बार सुना होगा, अभी अगर आप यूट्यूब पर सिर्फ पुट कॉल रेशियो लिख दें तो आपको n नंबर्स ऑफ वीडियो मिल जाएगी, इतना आपको पैरा उसका जो सूत्र होता है वो भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, हजारों में वीडियो मिलेगी कि PCR क्या है। गाइज उसको इंप्लीमेंट करने का प्रॉपर तरीका क्या है आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान से समझना क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं आपसे और जो मुझे दिखाई देता है ऑनेस्टली वो आपके साथ में मैं डिस्कस करता हूं। पुट कॉल रेशियो काम कब करता है, एक बात सुनिए, मार्केट या तो ओवरबॉट होता है, मार्केट या तो ओवरसोल्ड होता है। अगर मार्केट ओवरबॉट होता है तो ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, अगर मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो नीचे से एक शॉर्ट कवरिंग आती है। अब पहली कंडीशन हम इंप्लीमेंट करते हैं ओवरबॉट होने की। ओवरबॉट होने के लिए निफ्टी का PCR क्या होना चाहिए कि अगर 1.40 से ऊपर निफ्टी का PCR चल रहा है तो वो ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुका है, ठीक है। अब ये निफ्टी का हो चुका और बैंक निफ्टी का PCR 1.35 के ऊपर चल रहा है तो वो ओवरबॉट वाली सिचुएशन में आ चुका है, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए निफ्टी में 100 और 150 पॉइंट्स की और बैंक निफ्टी में 300 या 450 पॉइंट्स की, इतनी बड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, ये ओवरबॉट की सिचुएशन हो जाती है। इसको और इजिली मैं आपको डिफाइन करके आपको बताऊंगा। अब ओवरसोल्ड की कंडीशन क्या होती है, नीचे में ओवरसोल्ड होता है निफ्टी जाकर 0.55, अगर ओवरसोल्ड टेरिटरी में PCR 0.55 चल रहा है तो निफ्टी ओवरसोल्ड हो चुका है और बैंक निफ्टी का PCR नीचे में 0.50 चल रहा है तो गाइस बैंक निफ्टी भी ओवरसोल्ड हो चुका है। अब इस कंडीशन में आपको ओवरसोल्ड होने से एक शॉर्ट कवरिंग का आपको रैली जरूर मिलेगी और निफ्टी में वो आपको मिलेगी 100 पॉइंट्स और 150 पॉइंट्स, सेम स्टोरी बैंक निफ्टी की 300 और 450 पॉइंट्स की आपको ये रैली मिलेगी। अब इंप्लीमेंट कैसे करना है, आपको ट्रेड कैसे लेना है, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए। गाइस मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, नीचे गिरता चला जा रहा है। अगर एक्सपायरी का दिन नहीं है, एक्सपायरी का दिन नहीं है यानी कि एक्सपायरी कब होती है बैंक निफ्टी की, या निफ्टी की होती है थर्सडे को और बैंक निफ्टी की होती है वेडनेसडे को। निफ्टी का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को है और थर्सडे का दिन नहीं है और PCR ओवरसोल्ड शो कर रहा है 0.55, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, या तो वो सिचुएशन कैसी होगी कि पहले निफ्टी खुल के नीचे जाएगा, वहां से शार्प बाउंस आएगा। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आज निफ्टी का PCR 0.6 पर बंद हुआ है, नेक्स्ट डे मार्केट निगेटिव खुला और निगेटिव खुलने के बाद 100 पॉइंट माइनस में गया, 100 पॉइंट माइनस में जाने के बाद जो PCR कल की क्लोजिंग था 0.6 था, वो घट करके 0.52 या 0.55 आ चुका है।
तो वहां से आपको एक बाउंस मिलेगा, निफ्टी 100 पॉइंट से पूरा रिकवर करेगा। रिकवर करने के बाद पहले 30 से 35 पॉइंट प्लस में आएगा, आने के बाद फिर सेलिंग आएगी, वो 35 पॉइंट से फिर माइनस में जाएगा 35 पॉइंट्स, फिर वहां से बाउंस आएगा, वहां से रिकवरी मिलेगी आपको और 50 से 60 पॉइंट वो प्लस में क्लोजिंग देगा। मैक्सिमम टाइम मैंने ये एक्सपीरियंस किया है निफ्टी के ओवरसोल्ड टेरिटरी में। अब निफ्टी का बात करता हूं ओवरबोर्ड की कंडीशन। अगर ओवरबोर्ड में निफ्टी का पीसीआर 1.40 चल रहा है, 1.50 चल रहा है, 1.60 चल रहा है, तो 1.40 के ऊपर निफ्टी ओवरबोर्ड हो चुका है। अब उसकी सिचुएशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर कल निफ्टी का पीसीआर 1.45 पर बंद हुआ है तो ये ओवरबोर्ड है, लेकिन निफ्टी पहले ऊपर जाएगा, 80 से 100 पॉइंट की रैली बनेगी, ऊपर जाने के बाद एक टाइम पर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी 100 पॉइंट प्लस से, निफ्टी 30 से 40 पॉइंट प्लस माइनस में आएगा, फिर रिकवर करेगा, रिकवर करने के बाद फिर 30 से 35 पॉइंट प्लस जाएगा, फिर लास्ट में वो 40 से 50 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग देगा। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग की सिचुएशन है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। ऐसे ही ओवरसोल्ड टेरिटरी में होता है कि जब रिकवरी आती है ओवरसोल्ड कंडीशन से, जब रिकवरी आती है बाउंस आता है, तो वो ऐसा नहीं होता कि ट्रेंड चेंज हो गया, वो ट्रेंड निगेटिव ही है, लेकिन ओवरसोल्ड होने की वजह से एक रिकवरी आपको मिलती है एनी हाउ। ये निफ्टी की कंडीशन होती है। अब इसमें एक पॉइंट निकल के आता है जो बहुत बहुत जरूरी है आप सबके लिए जानने के लिए। अगर एक्सपायरी का दिन है, निफ्टी ओवरबोर्ड है या निफ्टी ओवरसोल्ड है, गाइस पीसीआर काम नहीं करेगा। पूरे दिन मार्केट सिर्फ पोजीशन पे रिएक्ट करेगा। अगर पीसीआर ओवरसोल्ड भी है और मार्केट निगेटिव साइड ज्यादा बना हुआ, पॉजिटिव साइड ज्यादा बना हुआ है, तो मार्केट नीचे ही जाएगा पूरी एक्सपायरी के दिन। सेम कंडीशन होती है अगर मार्केट ओवरबोर्ड है और पोजीशन गाइस निगेटिव साइड ज्यादा बनी हुई है, तो मार्केट ऊपर ही जाएगा चाहे पीसीआर 1.6 क्यों ना चल रहा हो। अब यहां पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट ओवरसोल्ड था लेकिन एक्सपायरी के दिन भी उसने शॉर्ट कवरिंग नहीं दिया, पीसीआर घट के 0.45 आ चुका है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में 3:25 पर आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल बाय करके जाना चाहिए। अपने कैपिटल का 70% एनी हाउ विद कॉन्फिडेंस आपको पोजीशन बनानी चाहिए। अगर बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.47 था एक्सपायरी के दिन, तो नेक्स्ट डे कुछ भी हो जाए, कितना भी निगेटिव हो जाए गाइस, बैंक निफ्टी आपको प्लस दिखाई देगा। बैंक निफ्टी प्लस में ओपनिंग करेगा और उसको सस्टेन करेगा, 300 से 400 पॉइंट का बाउंस आपको मिलना ही मिलना है। सेम कंडीशन में आपको बताता हूं निफ्टी का पीसीआर 0.5255 चल रहा है, बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है लेकिन एक्सपायरी का दिन है, तो पीसीआर काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पे रिएक्शन आएगा। पोजीशन जैसी होगी मार्केट वैसा रिएक्ट करेगा, लेकिन आपके पास एडवांटेज ये है कि अगर 3:25 पर एक्सपायरी के दिन निफ्टी डे लो पर क्लोज हो रहा है, तो आपको अगली एक्सपायरी की कॉल बाय करके जाना चाहिए एनी हाउ। उस सिचुएशन में कुछ भी निगेटिव होगा गाइज, आपको कम से कम 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दिखाई देगी, वो ऐसी होगी कि आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया। जब निगेटिव क्लोजिंग देगा निफ्टी एक्सपायरी के दिन और बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन, उस दिन आप नोट करना है कि डाउ जोन्स भी माइनस में होगा, लेकिन सडनली शाम होते होते डाउ जोन्स प्लस में आएगा और अगले दिन ओवरसोल्ड वाली कंडीशन से मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा, और इस सिचुएशन में जाकर हमने बहुत पैसा बनाया गाइस। ये मैं आपको साथ वो चीज शेयर कर रहा हूं कि आप खुद भी इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें आपको किसी के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप खुद भी ये चीज नोट करके इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं, मैं आपको बोर्ड पे नहीं समझा रहा, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में फिट हो। सेम सिचुएशन होती है ओवरबोर्ड में, ओवरबोर्ड मार्केट है, निफ्टी का पीसीआर 1.45 चल रहा है या 1.55 चल रहा है, लेकिन एक्सपायरी के दिन गाइस पोजीशन निगेटिव साइड ज्यादा है, तो कुछ इंपैक्ट नहीं आने वाला इस पीसीआर का। आप नोट करना, नेक्स्ट डे आपको मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता हुआ दिखाई देगा। अगर गैप डाउन नहीं होगा एक्सपायरी होने के बाद, तो फ्लैट टू पॉजिटिव खुलने के बाद पहले माइनस जाएगा, मार्केट वहां पर लाइट होगा, उसके बाद फिर रिकवर करेगा।
तो सिंपली बता रहा हूं, बैंक निफ्टी का पीसीआर जो लोएस्ट साइड है जहां पे ओवरसोल्ड होता है बैंक निफ्टी का पीसीआर, वो होता है 0.45 और 50। ये ओवरसोल्ड मतलब बहुत बुरी ओवरसोल्ड सिचुएशन है कि यहां से बैंक निफ्टी बाउंस देगा ही देगा, बस शर्त देखे कि आपको एक्सपायरी का दिन नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायरी का दिन है और बैंक निफ्टी डे लो पर बंद हो रहा है तो आपको एनी हाउ अपने कैपिटल का 70% नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल बाय करना चाहिए, वो आपको एक बड़ा प्रॉफिट देगा। सेम सिचुएशन होती है गाइज, मैं निफ्टी का पीसीआर का मैं बता चुका हूं ओवरसोल्ड किस कंडीशन पे जाके होता है, वो होता है 0.55। अगर 0.55 बैंक निफ्टी का पीसीआर चल रहा है तो ये ओवरसोल्ड हो चुका है। और ओवरबोट की कंडीशन क्या है, ओवरबोट अगर 1.40 मतलब 1.40 के ऊपर जितना रहेगा वो ओवरबोट की टेरिटरी में है गाइस, वहां पर कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बस शर्त एक है कि एक्सपायरी का दिन ना हो। बहुत सिंपली, बहुत सिंपल रखिए, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि ये पीसीआर का जो गेम है गाइस, ये आपको बहुत बड़ा अमीर बना सकता है अगर आपने डिसिप्लिन में रहकर विद कॉन्फिडेंस आपने इसको इंप्लीमेंट किया और सबर रख के इंप्लीमेंट किया। ऐसा नहीं कि एक्सपायरी का दिन है और आपको पीसीआर दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी का 0.50, आप अर्ली मॉर्निंग ही पोजीशन बना लो, नहीं बनानी है, पूरे दिन वेट करिए गाइस। अगर लास्ट में भी मार्केट डे लो पर बंद हो रहा है या 3:05 पर डे लो पर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो 3:05 पर नहीं, 3:05 पहले यानी कि 2:55 पर बैंक निफ्टी डे लो पर क्लोज कर रहा है और एक्सपायरी का दिन है, डे लो पर ट्रेड कर रहा है, एक्सपायरी का दिन है, 2:55 हो चुके हैं, तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशन 70% कैपिटल की बना लेनी है। हो सकता है लास्ट के 30 मिनट्स में ही आपको 300 से 400 पॉइंट्स का एक अनएक्सपेक्टेड शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे, अगर उस दिन नहीं दिखाई देगी तो आपको नेक्स्ट डे एनी हाउ दिखाई देगी। और इसको बार बार इंप्लीमेंट करेंगे तो आप याद रखना आप खुद इसमें माहिर हो जाएंगे और सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा इतना सिंपल मैंने बताने की कोशिश की है, बहुत सिंपल रखा है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप नोट कीजिए, उसका जो कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला होता है वो YouTube पे मिल जाएगा। मैं बताने जाऊंगा तो 5 मिनट या 10 मिनट वीडियो और लंबा हो जाएगा, आप कहोगे फिर वीडियो लंबा बनता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि सिंपल रखा है पीसीआर को, जिसमें जो इस मार्केट में पैसा बनाना चाहता है गाइस उसको पीसीआर को बहुत डीपली जाकर रिसर्च करना चाहिए, बहुत डीपली जाकर उस पर फोकस करना चाहिए, बहुत डीपली जाकर अपनी ट्रेडिंग पैटर्न में इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, चार्ट को भूल जाइए। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, कोशिश करूंगा जितनी लर्निंग वीडियो आपके साथ शेयर कर सकता हूं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।